मजा आया देखने में, और ऐसे ही होना चाहिए, और अप्रोच एटीट्यूड वाज परफेक्ट। इंडिया ने पकड़ के बैस बाल का एक बार फिर धर्मशाला में घंटा बजा दिया पकड़ के, मतलब कुलदीप यादव ने तिगनी का नाच नचा दिया, और रविचंद्रन अश्विन क्या ही कमाल फॉर, वो भी अपने 100 टेस्ट मैच में खीर ही कर दिया, मतलब कि इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है, इंडिया ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इधर क्या बता रहा, जॉनी सिंस और बहन का स्ट्रोक और बहन का फोक्स और बहन का डकीट और ये डुकी डुकी बेटा बजा दिया पकड़ के सबकी, वो रूट जॉनी बेस स्ट्रोक बैन स्ट्रोक ये सारे के सारे फारिक होके रह गए इंडिया के अंदर। इन सबकी जो बेसबॉल है ना उसको मधोल के जो मसल के ना इंडिया ने फेंक दिया है, साफ सी बात है। अलग इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, यानी नथिंग विकेट में इसलिए कह रहा हूं कि ये विकेट ऐसी नहीं थी कि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 137 फॉर 2 से 218 के ऊपर कोलैप्स हो जाए। बेसबॉल सिर्फ क्या इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए रह गई है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चलती है ना वो जिसको कहते हैं इंडिया के अगेंस्ट चल रही है, सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही चलती है, या कोई इंग्लैंड के अंदर चला जाए तो उसके अगेंस्ट चलती है। पाकिस्तान नहीं है ये, इंडिया है, उन्होंने आज आपका पकड़ के बजा दिया। धर्मशाला इतना शानदार किस्म की विजुअल, इतना शानदार किस्म का स्टेडियम, वहां पे स्पिनर्स इंडियन स्पिनर्स का राज, कुलदीप यादव पकड़ के उसने बजा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के उसने इंग्लैंड की घुसा दिया, बैस बाल का ऑफिशियली घंटा बजा दिया पकड़ के, जब कुलदीप यादव रविचंद्रन अश्विन और जब वो रविंद्र जडेजा ने पकड़ के, ये देख रहा हूँ साफ मुझे नजर आ रहा है कि इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर जो इंडिया है ना वो इनको बहुत बुरी तरह से धोने वाला है। बेटा ये डेढ़ फुट का डंडा ना, ये डेढ़ फुट का डंडा पूरा डेढ़ फुट का पकड़ के बहन के स्टोक के अंदर दे दिया ना, बहन के स्टोक आदर। इंग्लैंड डरने की सहमने की फटने की क्या जरूरत है, तुम लोग 4 ऑलरेडी 3-1 सीरीज में हो भाई, बहादुरी से खेल लो। इंडिया की इस ग्रेटनेस इस एक्सेप्शनल बॉलिंग लाइनअप के आगे डेरो, अभी बुमराह ने कुछ नहीं किया, अभी सिराज ने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ एक बंदे ने किया, उसका नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहे, मतलब कि एक ही दिल है कितनी दफा जीता हुए डिलीवरी थी बेन डकेट को और एक डिलीवरी थी जैक क्रॉली को, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। हालांकि इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, यानी नथिंग विकेट में इसलिए कह रहा हूं कि ये विकेट ऐसी नहीं थी कि इस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 137 फॉर 2 से 218 के ऊपर कोलैप्स हो जाए महज 79 रन के ऊपर। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप, जसप्रीत बुमराह की जो दो डिलीवरीज थी क्रॉली और बेन डकेट को, वो देख के ऐसा लगा कि आज यार लक जो है ना वो इंग्लैंड की तरफ है। एक तो धर्मशाला का बड़ा जबरदस्त विकेट है, टॉस जीत के इंग्लैंड को फायदा हुआ है, इंग्लैंड ने बैटिंग करने का फैसला भी कर लिया है, तो जरा मुसीबत में फंस जाएगी इंडिया, गलत हो गया है और लक नहीं इंडिया की तरफ जा रही है। और लंच का जब क्लोज हुआ तो लग ये रहा है कि नहीं यार इंग्लैंड जो है ना उनको यहाँ फाउंडेशन मिल चुकी है, अब अच्छा खासा ये लोग आगे डेवलप करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है। लेकिन lesser it was known to England and all the fans and everyone who was watching this game के what is इन स्टोर के अगले सेशन के अंदर 6 विकेट हैं, पेटी के बाद थोड़ी देर के बाद ही कोई 20 मिनट के बाद 2 विकेट और कहानी खत्म, 218 पे इंग्लैंड पैक। एक ही दिल है कितनी दफा जीते हुए कुलदीप। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5वें टेस्ट मैच की पहली इनिंग के अंदर इंग्लैंड टीम ने पहली बैटिंग की और बैटिंग करते हुए जस्ट 235 रन के ऊपर डिक्लेयर कर दी, 235 रन के ऊपर अपनी पूरी इनिंग डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद इंडिया की बैटिंग आ गई और आगाज ही इंडिया का तबाही रहा। आगाज में ही यशवी जायसवाल ने धोना शुरू कर दिया, लेकिन यशवी जायसवाल 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा क्रीज पर डटे रहे और 56 रन पे नॉट आउट हुए, जो पहले दिन का खेल 130 रन पर इख्तिताम हुआ। थोड़े से टाइम के अंदर ही रोहित लेवर ने 130 रन बना लिए और कल के दिन के आगाज में ये पूरा करके और लीड पे निकल जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह इंडिया ने गुज़श्ता मैच में परफॉर्मेंस दी, हर आने वाला मैच पिछले मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, हर आने वाले मैच के अंदर पिछले मैच से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा रोहित 11, क्योंकि गुज़श्ता जो 4 मैच गुजरे उनके अंदर तो 3-1 की लीड थी और 5वें टेस्ट मैच की पहली इनिंग के बाद ही इस बात का वाज़ह यकीन हो चुका है कि इंडियन टीम जो रोहित 11 जो है वो ये टेस्ट मैच जीत लेगी और टेस्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम कर लेगी। लेकिन ये खुशकिस्मती इंग्लैंड की कि वो एक मैच जीत पाई, अदरवाइज जिस तरह रोहित 11 खेल रही है वेरी इंप्रेसिव बैटिंग और बोलिंग का मुजाहरा कर रही है। वसीम अकरम का कहना है कि रोहित 11 का जो खेलने का स्टाइल है वो बहुत ही अमेजिंग है, ख्वाह वो अपने ही ग्राउंड में खेल रही है लेकिन उसको एक एज है, वो यही उसके सामने बहुत डिफिकल्ट टीम है, रेड बॉल के मंजे हुए खिलाड़ी है, क्योंकि इंग्लैंड को
टेस्ट फॉर्मेट में हराना तकरीबन मुमकिन होता है। इसके लिए जोर लगाया पाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन तमाम टीमों ने जोर लगाया, लेकिन रोहित 11 वो वही टीम है जो इंग्लैंड को रेड बॉल क्रिकेट के अंदर टेस्ट सीरीज हराने में कामयाब रही। ये बहुत बड़ी कामयाबी रोहित 11 के अंदर, और ना सिर्फ रोहित 11 के लिए कामयाबी है बल्कि ये कामयाबी है पूरी की पूरी बीसीसीआई बोर्ड की तरफ। और दूसरी बड़ी बात रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा की क्लासी बैटिंग हर मैच में चल रही है, जिस मैच में वो देखते हैं कि उनकी टीम को जरूरत है और वो ग्रीस पर खड़े होते हैं, और जब वो ग्रीस पर खड़े होते हैं तब तक ग्रीस पर मौजूद रहते हैं जब तक अपनी टीम को फतह से हमकरार नहीं करते। पहली चार विकेट ही लेने वाला ये बंदा था ना, बुमराह, ना अश्विन, ना सिराज, ना जडेजा, कुलदीप यादव। इस बंदे ने क्यों इतना अरसा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, इतने कम टेस्ट मैचेस खेले, सवालिया निशान है। धर्मशाला इतना शानदार किस्म के विजुअल, इतना शानदार किस्म का स्टेडियम, वहां पे स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स का राज। और मैं एक चीज बड़े सुकून से कहूंगा, वो ये है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये अपने ओपनर्स के बगैर कुछ भी नहीं है। इस पूरी सीरीज के अंदर जैक क्रॉली और बेन डगेट ने जो रन किए हैं, और उन्होंने उनके ऊपर भी अखीर है कि वो उसको, जैक क्रॉली थ्री फिगर्स में नहीं जा पाता और बेन डगेट जो है ना वो तो पता नहीं क्या करता है, और ओली पोप ने तो एक डबल जो कहते हैं ना बड़ा फिगर लगा के उसके बाद से वो तो क्रिकेट खेलना ही भूल गए। बाकी प्लेयर्स को तो छोड़ ही दे, जो रूट, जोनी बेस्ट्रो, बेन स्ट्रो, ये सारे के सारे फारिक होके रह गए इंडिया के अंदर। इन सबकी जो बेसबॉल है ना उसको मधोल के जो मसल के ना इंडिया ने फेंक दिया है, साफ सी बात है। ये बेसबॉल है, ठटुआ बेसबॉल है ये वाली जो बेसबॉल खेल रहे हैं ये लोग। वो रोहित शर्मा ने कल सही कहा था कि लगता है आप लोग को पता नहीं है ऋषभ पंत के बारे में। बिल्कुल, इससे पहले तो ऋषभ पंत खेल लेता था, सिंगल खिलाड़ी ऐसा खेलता है कि शानदार किसान की परफॉर्मेंस करके दिखा देता है। कुलदीप यादव पकड़ के उसने बया दिया इंग्लैंड की, पकड़ के उसने इंग्लैंड की घुसा दिया, बैस बाल का ऑफिशियली घंटा बजा दिया पकड़ के। जब कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और क्या वो रविंद्र जडेजा ने पकड़ के इनको बया दिया पकड़ के, 175 for 3, 180 for 8, मतलब 175 पे इनके तीन आउट थे, 175 पे तीन आउट और 180 पे 8 आउट इंग्लैंड के। ये है इंडिया के स्पिनर्स की ग्रेटनेस, एक ऐसे ट्रैक के ऊपर, एक ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर बजा दिया पकड़ के, घुसा दिया, डंडा दे दिया पकड़ के। किधर गया हमारा डंडा? डंडा 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 बेटा, ये डेढ़ फुट का डंडा ना, ये डेढ़ फुट का डंडा, पूरा डेढ़ फुट गया, पकड़ के बहन के स्टोक के अंदर दे दिया। आना बहन के स्टोक, आ जरा बहन के स्टोक बाहर आ जरा, अपना तुझे पटका के मारा है। किधर गया वो तेरा जोनी सिंस और बहन का स्टोक और बहन का फोक्स और बहन का डकीट और ये डुकी डुकी, बेटा बजा दिया पकड़ के सबकी। भाई माधुरी से खेल लो, मतलब कुलदीप यादव ने तिगनी का नाच नचा दिया, और रविचंद्रन अश्विन क्या ही कमाल फोर, वो भी अपने 100 टेस्ट मैच में। और अभी बड़े खूबसूरत सा मोमेंट हम सबने देखा कि पहले आप नहीं थी, पहले आप, पहले आप, पहले आप वाली कहानी है ना, वो पहले आप वाली कहानी अभी हमको दिख रही थी कि जब ऑल आउट हो गए तो कुलदीप अश्विन को कह रहे कि पहले आप, आपका 100 टेस्ट विकेट है। अश्विन कह रहे कुलदीप को नहीं पहले आप, क्योंकि आप 5 विकेट लेके गए हो, मैंने तो 4 विकेट ली है। लेकिन व्हाट अ डे इट हैज टर्न आउट फॉर टीम इंडिया। लंच तक पहले 2 घंटे के बाद ऐसा लग रहा था कि गेम विल बी इन द बैलेंस बाय द एंड ऑफ द डे। इंग्लैंड को फाउंडेशन मिल चुकी है, इंग्लैंड अब इस पर बिल्ड ऑन करेगा, कॉन्फिडेंस आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से हथियार डाले, मतलब The credit lies with Kuldeep Yadav here. Kuldeep Yadav ने आज जिस तरह अपनी magical Chinaman deliveries जो आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने डाली हैं, they had absolutely no clue.